नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर। ये हमारी तर्जनी उंगली के बगल वाली, ये हमारी मिडिल फिंगर होती है, ये जिसे हम मध्यमा उंगली भी कहते हैं। तो इस फिंगर के विषय में, इसके नीचे जो है ये शनि पर्वत का क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले पर्वत की स्थिति को देखना अति आवश्यक होता है कि पर्वत की स्थिति कैसी है। पर्वत की स्थिति शुभ होगी तो शुभ होने की संभावना बढ़ जाती है। मध्यमा उंगली है, इसकी बनावट सीधी है टेढ़ी है, इन सब चीज़ों से भी अंतर पड़ता है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि उंगली अच्छी हो, बनावट अच्छी हो तो उसके मतलब अच्छे बनावट हो तो अशुभ फल भी कम अशुभ प्रभाव डालते हैं, लेकिन उंगलियों की बनावट अगर अच्छी नहीं हो तो जो है शुभ फल भी जो है कम प्रभाव वाले हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज बात करेंगे इस पर पड़ने वाले शुभ चिन्ह। मान लीजिए आपकी मध्यमा उंगली पर इस प्रकार से कोई त्रिभुज का निशान होता है, तो ये त्रिभुज का निशान बहुत ही मतलब अत्यधिक शुभ माना जाता है। मध्यमा उंगली पर कहीं भी किसी भी पोर पर, जनरली इस पोर पे और इस पर पोर पे त्रिभुज के निशान देखने को मिलते हैं, तो ये अत्यधिक शुभ चिन्ह में होता है। ऐसे जातक का गृहस्थ जीवन जो है अच्छा होता है, ऐसे जातक का परिवार जो है उनकी बातों को मानता है, इसलिए आज्ञाकारी परिवार भी कहा जाता है। ज्ञान का इनमें जो है ज्ञान के भंडार होते हैं, इनके पास जानकारी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी प्रभाव बहुत अच्छी हो सकती है। रहस्य और गुप्त विद्या में इनकी थोड़ी रुचि होती है। कार्यों में अक्सर इनको उन्नति मिलती है इस त्रिभुज के कारण, इनको हर कार्य में तरक्की होती है, धन का भी लाभ होता है। अब एक ही अगर वृत्त का चिन्ह हो, इस प्रकार से कोई अगर वृत्त का चिन्ह बनता हो गोल गोल गोलाकार का, तो ये वृत्त का चिन्ह है। तो ऐसे जातक को जो है जल से संबंधित कार्य में लाभ होता है। जैसे मान लिया जाए ये समुद्र के रास्ते या फिर नदी के रास्ते कोई कारोबार करते हैं, मर्चेंट ने भी इत्यादि में, तो इनको जो है ज़्यादा लाभ होने की संभावना यहाँ, मतलब जल से संबंधित कोई भी कार्य करते हों, व्यापार करते हों, चाहे उसमें नौकरी करते हों मर्चेंट नेवी में या अन्य कोई कार्य, तो इनको वहाँ लाभ होने के बहुत ज़्यादा जो है इसकी देखी गई है कि इनको अक्सर लाभ होता हुआ देखा गया है। और ऐसे जातक का जो है तंत्र मंत्र पर थोड़ा ज़्यादा विश्वास होता है, ये तंत्र मंत्र पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जादू टोने पर बिलीव इनका बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद एक अन्य चिन्ह बनता है इस प्रकार से, जिसे हम वर्ग का चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार से चार रेखाओं में से मान लीजिए इस प्रकार से वर्ग का चिन्ह, तो वर्ग के चिन्ह के भी ये कहते हैं कि ये चिन्ह जो है हमेशा नहीं दिखता, ये अचानक उभर के आता है फिर चला जाता है। कभी कभी ये हमेशा के लिए किसी जातक की हथेली पर दिखी गई है तो अचानक उभर के आ जाते, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं से धन का लाभ होना की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि अगर ये वर्ग का चिन्ह बने तो किसी भी चीज़ों से आपकी सुरक्षा करता है, कोई नुकसान होने वाला होगा तो ये आपको सुरक्षा कर लेगा। मतलब शनि से चीज़ें माने आप कोई कार्य करते हैं व्यापार करते हैं उसमें कोई नुकसान होगा तो इससे ये आपको हमेशा बचाव करेगा, इस चीज़ को दिखलाता है। अन्य चिन्हों में आती है एक नक्षत्र का चिन्ह। नक्षत्र का चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है, स्टार चिन्ह जिसे कहते हैं, इस प्रकार से तो ये चिन्ह जो है शुभ नहीं माना जाता है। अगर स्टार का चिन्ह माना बनता होती है, समस्या को दर्शाता है। ये समस्या आपके व्यापारिक हो सकते हैं, आपके कार्य से संबंधित हो सकते हैं, साथ में ये समस्या के साथ चोट लगने की संभावना, दुर्घटना इत्यादि भी इंगित करता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनके हम उंगली पर ऐसे स्टार के निशान होते हैं उनको जो है चोट, शारीरिक नुकसान होने का, चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। अब है एक और निशान, ये क्रॉस का निशान। क्रॉस का निशान अगर इस प्रकार से बने तो ऐसे जातक को देखा गया है कि थोड़ी सी बोलने संबंधी ये समस्या होती है, जैसे हकलाहट, तोतलापन, ये सब चीज़ें देखी जा सकती है। और उसके साथ में कार्य में जो है बाधा उत्पन्न होना, झगड़े होना, इन सब चीज़ों को दिखलाता है। और सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चिन्ह होती है ये इस प्रकार से जाल का चिन्ह है। तीन चार रेखें हैं इस प्रकार से जाल का चिन्ह बनता हो, तो ये जाल का चिन्ह सबसे ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। आप किसी चीज़ पे सटीक निर्णय नहीं ले सकिएगा, आपको नुकसान होगा। पारिवारिक उलझन, विवाद, संघर्ष इत्यादि को दिखलाता है। तो ये है हमारी मध्यमा उंगली पे होने वाले कुछ सामान्य से चिन्ह जो अक्सर देखे जाते हैं, जिनके शुभ और अशुभ फलों की आज हमने चर्चा की है। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।